अकेडमी वंस अगेन आप लोग आज हम मैथ्स के बारे में सब कुछ सीखेंगे। जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है उसके बारे में हम सब कुछ करेंगे। लास्ट टाइम आपने वीडियोस जो देखे होंगे उनमें हमने फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया था, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट मैथ्स। मैथ्स में कुछ चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई थी, उन लेक्चर्स के वीडियोज आपको अपलोड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से कि जहाँ से हमारा कंटिन्यूसली हमें स्टार्ट करना था। तो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसका नाम था डेरिवेटिव। क्या था? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव, अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मींस रेट ऑफ चेंज। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? मतलब कोई चीज किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, वही होता है डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव में यही टाइप यही चीजें हम सीखते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं आपसे कि इसमें हमें क्या चीजें गिवन रहती है, जैसे आपको एक फंक्शन दिया होगा, कोई भी एक फंक्शन दिया होगा इन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमें एक्स के फॉर्म में एक फंक्शन दिया होगा, वाई इज इक्वल टू समथिंग, एक फंक्शन दिया रहेगा एक्स के फॉर्म में, और हमें इसका डेरिवेटिव, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई किस रेट से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू, क्योंकि वाई किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स के ऊपर डिपेंड है। व्हाट इज एक्स? एक्स इज वेरिएबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लास्ट कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया था, हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो क्वेश्चन, वो टॉपिक था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो हमें यूज में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बोलूं सो कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्वेश्चन। हमें क्या दिया है? एक फंक्शन दिया हुआ है कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, और हमें वैल्यू क्या दी, उसका हमें एंगल क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया हर बार कि आप पहले लेट करो कि ये एक फंक्शन है, आप पहले क्या कंसिडर करो कि ये एक फंक्शन है। सो लेट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपने लेट कर लिया। नाउ हमने इसे अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको फॉर्मूला याद रहने चाहिए, मैंने ये भी बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बहुत जरूरी है याद रहने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको चाहे ये चैप्टर हो, चाहे इसके बाद आपका एप्लीकेशन हो, या फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हो, हर जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले यूज आने वाले हैं। तो आप मैथ्स के लिए कुछ करो या ना करो, सबसे पहला काम ये करो कि आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न करो। अगर आप नहीं लर्न कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है मेरा? हमने क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स? इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो चलो देखते हैं। क्या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद आ रहा है? देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो अगर हम यहां पे कॉस 2 थीटा पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, थीटा इज व्हाट, एक्स। क्लियर? डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, इस पूरे फंक्शन को। So, d by d, अच्छा cos इनवर्स, इनवर्स फंक्शन का मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है कि क्या होते हैं।
तो कॉस इनवर्स ऑफ यू का फॉर्मूला हमारा क्या होगा जरा देखते हैं। चलो मैं वहां पे लिखता हूं, उससे पहले आप ये आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि कॉस इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव उसका क्या होता है। ध्यान से आप दो चीजें यूज कर सकते हो, या तो आप कॉस इनवर्स का फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कॉस इनवर्स एंड कॉस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या बचेगा, उतना हमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ सॉरी ओनली टू एक्स, एंड टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टू, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम थोड़े कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थ्री एक्स, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थ्री एक्स, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट काम लेट करो कि एक फंक्शन है, सो लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस 3x। अच्छा इसको हम सॉल्व कर ले थोड़ा सा, चलो ठीक है। व्हाट इज कॉस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस थ्री एक्स, यस क्यों, क्योंकि हमें यहां पे अगर मैं रिलेशन आपको बताऊं तो सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड साइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा हमारा क्या बचेगा साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस थ्री एक्स। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस थ्री एक्स। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो क्या आएगा हमारा पाई बाई टू का हमारा डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ये हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, एंड थ्री एक्स का डेरिवेटिव बचेगा सो डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री बाहर आ जाएगा एंड एक्स का डेरिवेटिव वन सो माइनस थ्री, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जरूर यहाँ पे लिख के दूंगा जो आपको घर पे सॉल्व करना रहेगा, तो आप सॉल्व करना उसको प्रैक्टिस करना उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, हमें फंक्शन दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ, फंक्शन हमें फंक्शन दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन वन प्लस cos x, वन प्लस cos x। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि कंसिडर करो कि एक फंक्शन है, फंक्शन के लिए y इज इक्वल टू लेट लेट y is equals to tan inverse of sin x upon 1 plus cos x, clear है ना? Okay. Now, इसके अंदर हम कुछ changes कर सकते हैं जिससे यहां पे हमें tan मिल सके, tan inverse and tan cancel हो जाएंगे और जो हमारा angle रहेगा उसको सिर्फ हमें differentiate करना रहेगा, तो उसके लिए यहां पे हम कुछ tan के लिए कर सकते हैं। What is sin, अगर हम इसे sin 2 theta माने तो sin 2 theta का formula क्या होता है, What is sin 2 theta, देखो मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं, दिस इज साइन टू थीटा, अगर ये हम साइन टू थीटा कंसीडर करते हैं तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, एंड व्हाट इज वन प्लस कॉस थीटा, व्हाट इज वन प्लस कॉस टू थीटा, इसके लिए हम यूज करेंगे वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टू कॉस स्क्वायर थीटा,
ये दो फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री में बोल रहा हूँ, बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर लर्न करके रखोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, बट आपको वो आने चाहिए, ये फिक्स है। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ sin x, sin 2 थीटा हमने इसे कंसिडर किया जिसका फॉर्मूला है 2 sin थीटा एंड cos थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 sin x by 2 cos x by 2, अरे हाँ यार ना, द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, सो हम इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x by 2, क्लियर। नाउ एक cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल, और जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 sin 2, 2 भी कैंसिल हो गया यहां से तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2, इसको हम और क्या लिख सकते हैं जरा देखो, इसके अंदर हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x by 2 अपॉन cos x by 2 इज tan x by 2, ओके। सो tan इनवर्स एंड tan विल गेट कैंसिल ईच अदर, सो y इज इक्वल टू x by 2, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो गया, डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे हम यहां पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ x अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलने वाला है 1 अपॉन 2 हमारा कांस्टेंट है और डेरिवेटिव x का 1, सो dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्लियर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को हम धीरे 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 करके हम थोड़ा बढ़ाते रहेंगे और समझते रहेंगे कि कैसे कैसे हम इसको आगे सॉल्व करते रहे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो तभी से आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन sin x, 1 अपॉन cos x अपॉन 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको भी हम थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करेंगे बिकॉज हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सो देखो जरा हम इसे पहले तो लेट करेंगे, सो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x, क्लियर। हाँ कुछ चेंजेस करते हैं इसके अंदर, कौन कौन से चेंजेस हम कर सकते हैं, व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा, सोचो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा हमारा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा क्या होता है हमारा, sin 2 थीटा होता है हमारा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, हम ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x, जो 2 थीटा है वो थीटा में कन्वर्ट हुआ, सो x कन्वर्ट होगा x अपॉन 2 में। अरे समझ में आ रहा है, नहीं कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, बहुत इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको ध्यान देना है और सॉल्व करते रहना, हाँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियोस पूरे के पूरे देखते जाओ, अच्छे से समझते जाओ, हर एक क्वेश्चन को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको न्यू वीडियोस और ये सारी चीजें आपको मिलती रहे सही टाइम, ठीक है। सो 2 अपॉन sin 2 थीटा इज 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, कुछ कैंसिल होगा ये चीजें कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद बचा क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos x अपॉन 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan x by 2, सो हमारा y विल बी y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan
x by 2 here, tan x by 2, tan tan will get cancelled, tan inverse and tan, तो हमारे पास function बचेगा y is equals to only x by 2, x by 2 हम इसका derivative लेंगे, तो derivative क्या है हमारा differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, तो क्या मिलेगा हमें dy by dx is equals to d by dx of x by 2. सॉल्व करेंगे हम इसको, 1 by 2 कॉमन आएगा, तो और x का डेरिवेटिव 1, so dy by dx is equals to 1 by 2. क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो जब भी आप कोई टॉपिक को अगर समझ रहे हो तो आप एक चीज का ध्यान रखो कि वो टॉपिक आपसे प्रैक्टिकली में क्या उसका मीनिंग होता है. तो अगर मैं डिस्कस करूं इसके बारे में कि डेरिवेटिव का प्रैक्टिकली क्या मीनिंग है, तो मैंने जैसे कि चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि डेरिवेटिव किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करता है. क्या फाइंड आउट करता है? रेट ऑफ चेंज, मतलब कोई चीज किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है वो हमें फाइंड आउट करके कौन देता है? डेरिवेटिव. इसके ये कुछ कैलकुलस के कुछ चैप्टर्स हैं जो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, लाइक कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड इन द लास्ट इंटीग्रेशन. ये कुछ थ्री स्टेप्स होते हैं जो हम फाइंड आउट करते हैं चेंज, जो हम चेंज, चाहे वो अमाउंट ऑफ चेंज हो, चाहे रेट ऑफ चेंज हो, या वो चेंज कंटिन्यूअस है या नहीं. तो ये तीनों चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है. इसको अंदर क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं सोचो. पहले तो हम इसे फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स. सबसे फर्स्ट हमने इसे फंक्शन कंसीडर कर लिया. नाउ अब इसके अंदर हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं सोचो. जरा 1 माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन एक्स को, ध्यान से सोचो आपको समझ में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू. अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखोगे, सो दिस टर्म विल गिव यू 1, ये हमें क्या देगा 1, है ना, जो हमें यहां पे ऑलरेडी गिवन है. नाउ माइनस माइनस साइन एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा, 2 थीटा मीन्स थीटा, तो साइन थीटा. अरे समझ में आ रही मेरी बात, कुछ अलग नहीं किया गया है, बस छोटा सा एक फॉर्मूला यूज किया गया. मैंने बोला ना धीरे धीरे क्वेश्चंस में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बट वो चीजें आपको तब क्लियर होंगी जब आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से एकदम क्लियर होंगे. तो आप एकदम अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ 35-40 फॉर्मूलाज हैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज आते हैं, वहां तक आप पूरा या पूरा लर्न करके रखो, ताकि आपको कहीं भी कुछ भी यूज हो तो आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है वहां पे. सो 1 माइनस साइन एक्स को हमने किसमें कन्वर्ट किया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में. देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा, इसको हम बोल सकते हैं. तो वो चीजें हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे. नाउ व्हाट इज कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा हमारा क्या होता है, इस मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, शायद यहाँ पे आपको अच्छे से ना चले तो रेड मार्कर यूज कर लेता हूं मैं. कॉस 2 थीटा, जरा इसके बारे में बताओ कोई फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो. नहीं,
चलो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, हर बार मैं एक ही चीजें आपको बोलते जा रहा हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एकदम अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो हम ये दोनों वैल्यूज को चेंज करेंगे और हम वहां पे लिखेंगे y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वन माइनस साइन एक्स, कन्वर्ट हो गया किसमें, साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू माइनस कॉस थीटा बाय टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा हमने इसे कंसिडर किया जिसका आंसर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, यहां भी हमारा एक्स रहेगा और यहां भी हमारा एक्स रहेगा, हम उसमें चले गए कोई दिक्कत नहीं। सो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, इतना क्लियर है। थोड़ा सा हम इसे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जरा देखो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, जरा बताओ इन दोनों में से कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं पता सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम खुद कैंसिल कर देते हैं। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा क्या है, मैं हर जगह लिख देता हूँ, टेंशन ना लो, हर एक चीज में लिख के देता हूँ आपको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी हमारा फॉर्मूला है, अलजेब्रा का फॉर्मूला। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ये आएगा साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको हम लिखेंगे कॉस या फिर साइन कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, मतलब कॉस प्लस थीटा कॉस माइनस थीटा, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू एंड कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, क्लियर है, देखो ध्यान से। इसके बाद कुछ कैंसिल होगा हमारा, बोलो यार कुछ कैंसिल होगा, यहां पे जरा इस क्वेश्चन को ध्यान दो, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, इसके अंदर मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं देखो और बताऊंगा। यहां पे वन माइनस साइन टू थीटा था जिसको पहले एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझ लेते हैं क्योंकि काफी अलग सा क्वेश्चन है। टैन इनवर्स ऑफ वन माइनस साइन थीटा, सो अपॉन कॉस थीटा, वन माइनस साइन एक्स को हमने अपॉन कॉस एक्स को हमने कन्वर्ट किया इसमें, विच इज साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, क्लियर है इतना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा यहाँ पे पुट किया तो ये हमारा हो गया साइन थीटा बाई टू माइनस, अच्छा एक बात बताओ अगर मैं इसे कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू लिखता तो कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अगर मैं देखो जरा इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सॉरी कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू द होल स्क्वायर, इसके लिए हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये चीजें यहाँ पे अगर मैं रोटेट करके रखू, मतलब यहाँ पे मैं अगर ये लिख दू कि कॉस, जरा देखो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाय टू द होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये देखो यहाँ पे से कुछ कैंसिल होगा, एक ये कैंसिल होगा, यहाँ कॉस रहेगा यहाँ साइन रहेगा, दिस इज कॉस दिस वन इज साइन, एक एक कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, क्लियर हुआ, द होल टर्म इज डिवाइडेड बाय
कॉस एक्स बाई टू। अगर मैं पूरे डिवाइड, अगर मैं डिवाइड, देखो हम सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे टेन इनवर्स मिल जाए, यहाँ भी टेन मिल जाए, अगर टेन हमें मिल जाता है तो हमारा काम हो जाता है। सो डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सो देखो क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, देखो क्वेश्चन के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, cos x by 2 divided by cos x by 2 minus हो जाएगा 1, sin x by 2 upon cos x by 2 is tan x by 2 the whole upon cos x by 2 plus sin x by 2, cos x by 2 upon cos x by 2 is 1 plus sin x by 2 tan x by 2। जल्दी से याद करो कि ये 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta क्या होता है, जल्दी से नहीं आता। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, थीटा इज व्हाट x बाई टू। ओके, ये भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। सो टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेने जाते हैं तो ये चीजें मैं हटाता हूं यहां से, जरा देखो क्या होगा हमारा, क्या है हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। पाई बाई फोर का डेरिवेटिव जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस वन बाई टू। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन से एक बार इसको देख लो, फिर मैं कुछ एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं जो आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और ना आए तो हमसे पूछो, ठीक है। क्वेश्चन इज, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स ऑफ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी। मैं फिर से बोल रहा हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इसे कंसीडर करना, चलो ध्यान से देखो। हिंट अगर चाहिए तो हिंट में दे देता हूं, आप इस x को 2 थीटा कंसीडर करो, दिस x इज आल्सो 2 थीटा, सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 कॉस 2 थीटा है। तो अगर आप, मैं सॉल्व कर दूंगा अगर मैं इतना बोलूंगा तो, क्योंकि बहुत कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 कैंसिल, कॉस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर रूट जाएगा, बचेगा सिर्फ टैन थीटा बाई 2 मीन्स टैन एक्स बाई 2, रूट टैन और टैन इनवर्स कैंसिल, बचेगा एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव होगा हमारा हाफ। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, आप सॉल्व करना, अच्छे समझना, अगर कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर पूछना। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।